वेलकम टू वीडियोस की ऑनलाइन क्लासेस हाई स्टडी क्लास 12 टॉपिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आज हम सीखेंगे फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स दिया हो उसका इनवर्स कैसे फॉल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी इनवर्स दिया होता है उसका डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, यानी मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए, अब ये मॉड निकालते कैसे, आर वन इसको बोलते हैं रो वन, रो टू और रो थ्री। तो आर वन को हम एक्सपेंशन करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, टू अब ये और ये वन करेंगे तो क्या होगा, माइनस वन टू जीरो वन। फिर सेकेंड नंबर को लिखने से पहले माइनस लगाएंगे वन, फिर अब ये और ये वन करेंगे तो क्या होगा, फोर माइनस सेवन फिर जीरो वन। फिर थर्ड वाला लिखेंगे थ्री और ये वन करेंगे तो क्या होगा, फोर माइनस सेवन माइनस वन टू। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या होगा, टू इन ब्रैकेट वन वन जा वन और टू जीरो जीरो, फिर माइनस वन फोर वन जा फोर और सेवन जीरो जीरो, फिर प्लस थ्री फोर टू जा एट और सेवन वन जा सेवन। तो ये हो गया माइनस टू, फोर वन जा फोर माइनस फोर और थ्री वन जा थ्री, यानी माइनस सिक्स प्लस थ्री यानी माइनस थ्री। यानी यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाली जो कि माइनस थ्री, यानी डिटरमिनेंट ए जो होना चाहिए वो कभी भी नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल जीरो है यानी ये क्या है, माइनस थ्री है इसकी वैल्यू, इसका मतलब हम ए इनवर्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर यानी मॉड ए की वैल्यू जीरो होती तो हम ए इनवर्स सॉल्व नहीं कर सकते, सो हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो फाइंड ए इनवर्स। नाउ अब हमें क्या करना है कि ए करके वैल्यू निकालनी है, तो को फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, फैक्टर निकालते हैं इसके। तो पहला होगा, चलिए तो फर्स्ट हमने लिया ये ए वन वन, तो क्या होगा माइनस वन जीरो टू वन। सॉल्व करेंगे तो माइनस वन माइनस जीरो, यानी आंसर आएगा माइनस वन। ए वन टू निकालें तो ये होगा फोर जीरो माइनस सेवन वन, चलिए इसे सॉल्व करें तो माइनस फोर वन जा फोर जीरो, वैल्यू आ गई माइनस फोर। फिर ए वन थ्री निकालेंगे तो होगा फोर सेवन माइनस वन टू माइनस सेवन, तो फोर टू जाए ए माइनस सेवन यानी आ गया वन। फिर ए टू वन निकालेंगे तो माइनस थ्री, देखिए टू वन में हमें सेकेंड रो बंद करना है और फर्स्ट का, तो वन टू थ्री वन वन टू थ्री वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस सिक्स यानी माइनस आ जाएगा प्लस टू टू। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम बंद करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टू माइनस सेवन थ्री वन टू माइनस सेवन थ्री वन, सॉल्व करेंगे तो टू वन जा टू और सात थ्री इक्कीस ट्वेंटी थ्री। ए टू थ्री यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम बंद करेंगे ये, तो टू सेवन वन टू टू माइनस सेवन वन टू, तो टू टू जा फोर फोर सेवन वन जा सेवन, तो ये आ गया माइनस ग्यारह। फिर ए तीसरा रो फर्स्ट का ये और ये वन माइनस वन
थ्री जीरो सॉल्व करेंगे तो जीरो माइनस प्लस थ्री थ्री आ जाएगा। फिर ए थ्री टू यानी थर्ड रो सेकेंड का थर्ड रो सेकेंड का टू फोर थ्री जीरो टू फोर थ्री जीरो सॉल्व करेंगे तो जीरो माइनस ट्वेल्व यानी प्लस ट्वेल्व ए थ्री थ्री सॉल्व करेंगे थर्ड रो थर्ड का तो टू फोर वन माइनस टू अंडर और फोर अंडर फोर यानी माइनस सिक्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने फैक्टर निकाले को फैक्टर। अब इस को फैक्टर से सी बनाते हैं। सी हमारा होगा ए वन वन यानी माइनस वन ए वन टू माइनस फोर फिर ए वन थ्री वन फाइव ट्वेंटी थ्री माइनस एलेवन फिफ्टीन ट्वेल्व माइनस सिक्स। अब इससे हम क्या निकालेंगे सी डैश निकालेंगे जिसे हम कहते हैं एडजॉइंट ए। तो ये एडजॉइंट ए क्या होगा इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी माइनस वन माइनस फोर वन फाइव ट्वेंटी थ्री माइनस एलेवन थ्री ट्वेल्व माइनस सिक्स ये हो गया। अब हम इसे ए इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है वन अपॉन मॉड ए ब्रैकेट एडजॉइंट ए। चलिए तो ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन मॉड ए वैल्यू रो निकाला माइनस थ्री तो वन अपॉन माइनस थ्री इन ब्रैकेट माइनस वन माइनस फोर वन फाइव ट्वेंटी थ्री अलेवन माइनस अलेवन और ये थ्री ट्वेल्व माइनस सिक्स। अब इसे ए इनवर्स निकालने के लिए अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस वन अपॉन थ्री माइनस फाइव अपॉन थ्री 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 वन माइनस वन माइनस फोर अपॉन थ्री ट्वेंटी थ्री अपॉन थ्री माइनस में और ट्वेल्व फोर चार माइनस फोर माइनस वन अपॉन थ्री माइनस यानी अलेवन अपॉन थ्री और सिक्स अपॉन थ्री का मतलब हो गया टू। इस तरह से हम लोगों ने ए इनवर्स फाइंड किया। सबसे पहले जब भी हमें ए इनवर्स निकालना तो गिवन ए दिया होगा फिर ए से मॉड ए यानी डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो इनवर्स फाइंड होगा और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो है तो इनवर्स फाइंड नहीं होगा। अब क्या करेंगे इनके को फैक्टर्स निकालेंगे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री। इस तरह से हम जो भी निकालेंगे उनको को फैक्टर्स को लिखेंगे और इस को फैक्टर को ए मतलब ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए मिलेगा और फिर एडजॉइंट ए में मॉड ए का डिवाइडेशन कर देंगे तो हमें ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इस चैप्टर की सभी सवालों को आप ए इनवर्स फॉर्म करेंगे। ठीक है थैंक यू हैव अ नाइस डे।